आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल रूपा सुयाल ब्लॉग्स में। दोस्तों, शाम के 4 बजे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं दुकान से घर की तरफ को। सुबह 11:30 बजे के करीब मैं आ गई थी दुकान में और दिन भर दुकान में रहने के बाद अब हम जाने लगे शाम के टाइम में घर। ठंडा बढ़ने लग गया था इसलिए वेदू और मैं आ गई घर को। तो आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ। श्री गणेश और माता लक्ष्मी का आपके घर में ऐसे ही वास बना रहे, आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होते रहे। और इस बार की दिवाली हमारी ऐसी है, आप सब लोगों को मैंने बताया ही है, हमारी फैमिली में हमारे बगल में चाचा एक्सपायर हुए हैं करके, तो हम लोग तो दिवाली नहीं मनाएंगे। और 12 दिन तक हम लोगों ने घर में दिया भी नहीं जलाना होता है, तो हमारे यहाँ आज 6 दिन हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करते हैं। तो दिवाली तो हम लोगों के सुयाल फैमिली में कोई भी नहीं मनाएगा और सब लोगों की दिवाली अच्छी जा रही है। आज मैं देख रही थी सब लोग गन्ने ले जा रहे थे सुबह। फिट्टो 2 मिनट चुप रहना। आज सुबह सब लोग गन्ने ले जा रहे थे, सुबह से दिन में के टाइम तक सब लोग गन्ने ले जा रहे थे ना पूरा। पिछली बार तक मैं भी ऐसे ही गन्ने का पेड़ मंगाती थी कहीं से, उसमें मैं माता लक्ष्मी की मूर्ति बनाती थी, मूर्ति लगाती थी और नीचे साइड को सारा लहंगा पिछौड़ा पहना के माता लक्ष्मी की एक बड़ी बड़ी मूर्ति बनाती थी, बहुत ही सुंदर। लेकिन इस बार ऐसा ही है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना है। तो अगले साल भगवान से प्रार्थना करती हूँ अच्छे से हमारी दिवाली जाए, क्योंकि हमारे पिछली बार का त्यौहार भी हमारा ऐसा ही था। पिछली बार होली भी हमारी ऐसी रही, हमारे चाचा एक्सपायर हो गए थे होली से पहले और इस बार दिवाली से पहले बगल में चाचा एक्सपायर हो गए। तो अभी चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते ये बातें कर रही हूँ और वेदू को भी गुस्सा आ रहा है पैदल चलते चलते, तो घर चलती हूँ और मिलती हूँ घर जाके आप लोगों से शाम को। रामगढ़ में कैसा माहौल है, दिवाली कैसी चल रही है सबकी, वो दिखाऊंगी। हमारे यहाँ तो दिवाली ऐसी है और यहाँ की दिवाली दिखाऊंगी इस बार। शाम का टाइम हो चुका है और मैंने घर आने के बाद कपड़े वगैरह बदल लिए थे। अभी हम लोगों ने चाय भी पी ली है शाम की और अंधेरा बस होने ही वाला है। वेदू घर आने के बाद सो गई थी और एक बार मैं बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ, क्योंकि सामने मनेगर साइड भी और नीचे रामगढ़ साइड भी सब लाइटें जल गई होंगी, तो थोड़ा बहुत वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। उसके बाद जब दिवाली मनाएंगे सब लोग तो वो दिखाऊंगी। दिवाली तो घर की दिवाली तो मैं क्या दिखाऊंगी, बस पटाखे, जहाँ जहाँ पटाखे फूटेंगे वो मैं दिखा सकती हूँ। एक बार नज़ारा दिखा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये सामने रहा मनेगर का नज़ारा कुछ ऐसा। बिट्टू लोगों का घर नहीं दिखाई दे रहा, नीचे है नीचे। दोस्तों, रात के 6:30 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ पुराने घर के आंगन में और अभी मैं रात के खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं सब्जी बना रही हूँ, हरी वाली एक हरी सब्जी बनाऊँगी और एक बनाऊँगी मूली की सब्जी। तो सब जगह पटाखे फूटने लग गए हैं और तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ पिछली बार वाली दिवाली, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार ऐसे ही लक्ष्मी माता बनाई थी और मैं वेट कर रही थी अभी उन लोगों का दुकान से आने का कि वो लोग आएंगे, हम सब लोग साथ में पूजा करेंगे करके, क्योंकि हर बार मैं अकेले ही पड़ जाती थी ऐसे। पहले से ही मैं दोनों भाइयों को बुलाते बुलाते थक जाती थी कि तुम लोग घर आओ पूजा करेंगे साथ में ये वो करके। तो एक बार मेरी बहन लोग आए थे और दूसरी बार पिछली बार सलोनी लोग थे। तो अभी फ़िलहाल सब लोग अपने अपने यहाँ पटाखे फोड़ने लग गए हैं और मनेगर यहाँ से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। बिट्टू लोगों का घर भी थोड़ा बहुत अभी अच्छे से दिखाई दे रहा है और मल्ला रामगढ़ साइड भी ये देखो लाइट ही लाइट है, हल्का फुल्का दिखाई देगा आपको कैमरे में, बट फिर भी बहुत ज़्यादा है हम लोगों के लिए।
तो मैं तो बनाती हूँ यार खाना। बुरा भी लग रहा है मुझे उतना ही जितना चचा के जाने का, मतलब जो सामने जो चाचा हमारे एक्सपायर हुए हैं उनके जाने का बुरा भी लग ही रहा है। लेकिन जैसे कोई त्यौहार आता है, अगर सब लोग मना रहे हैं और हम नहीं मना रहे हैं तो उस चीज़ का भी उतना ही बुरा लगता है। तो हमारे भाव की भी पहली दिवाली थी इस बार। भैया परसों बोल रहे थे कि उसके लिए नई ड्रेस लेके आता हूँ और फर्स्ट दिवाली है उसकी तो सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से ये वो करके। लेकिन भाव का भी दिवाली मनाने का नहीं होगा, इसलिए ऐसा हो गया हमारे घर में। तो चलो अभी बनाती हूँ खाना। थोड़ी देर बाद अगर नज़दीक नज़दीक में थोड़ा सा अच्छा अच्छा कुछ दिखाई देगा मुझे दिखाने लायक तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ देखो मैं भी देखूंगा। वाह वाह